एलोवेरा जेल बनाना सिखाते हैं। ये है एलोवेरा का पौधा, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसकी एक या दो पत्ती काटेंगे, ये देख रहे हैं आप। धीरे से ये हमने पत्ती काट ली। फिर हम इसके अब बाद एक मिनट ये हमारा लेटेक्स पूरा निकल चुका है। अब हम इसको इसको अब हम छीलेंगे। देखिए कैसे छीलते हैं इसको। सबसे पहले किनारों से ऐसे 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 ही इसको छीलेंगे। अब हम इसको ऊपर से पतली लेयर करते हुए छील देंगे। ये देखो छील गया। अब हम इसका जेल निकालेंगे इसमें से। ये देखिए ये प्राकृतिक जेल होता है। ये देख रहे हैं आप, एक पत्ती में से अच्छा जेल निकल जाता है। आराम से आप 4-5 दिन तक यूज कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बाजार के जेल से अच्छा होता है। अगर आपके घर में पौधा नहीं है एलोवेरा का तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसको कांच के बाउल में इसमें बहुत ये बहुत चिकना होता है। देखिए ये हमारा एलोवेरा जेल तैयार हो गया। इसको हम आप मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। मिक्सी में फेंटने से और अच्छा हो जाएगा। इसको आप 4-5 दिन रख सकते हैं फ्रीज में। तो इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो इसको इसमें परीजर रेटी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन रखा रहेगा। आप आराम से फ्रीज में रख सकते हैं, जब चाहो यूज कर सकते हैं। यह है, अगर आपको फेस पे लगाना है तो इसमें विटामिन सी के कैप्सूल डाल सकते हैं। तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हैं। अगर आपको सर में लगाना है तो इसमें विटामिन सी के कैप्सूल डालेंगे। यह आपका एलोवेरा जेल तैयार हो गया है। यह बहुत अच्छा होता है, ये एकदम हर्बल है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी अपने घर में बना सकता है। अगर आपको यह अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।